साथ में हो तुम लोग, साथ में हो? हाँ। दिल्ली जा रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, लाल किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन खाली पड़ा है तुम लोग के लिए। नाम क्या बताए? अपना काम देखो ना अंकल। है जी, अपना काम देखो आप। काम देखें अपना? अरे भैया, अपना काम तो देख ही रहे और साथ में कुछ और भी देख रहे हैं। बम्बई में एक फिल्म बनी। कौन सी? लिपस्टिक अंडर माय बुरका। मथुरा में भी एक फिल्म बन रही है। अच्छा। कलावा अंडर माय बुरका। छुपाओ छुपाओ। जय हिंद सर। सर मैं वो सोनू का कोच हूँ सर, वो बहुत प्रतिभाशाली है सर, वो बहुत अच्छा एथलीट है, उसने कुछ नहीं किया सर। ऐसा हुआ है, उस लड़के को चोट लगी हुई है, इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर ऐसे, तुम तो वहाँ थी, तुम बताओ आपने उसे क्यों मारा सर? उसकी कोई गलती कोई बात नहीं है, जांच में सब पता चल जाएगा। हाँ। वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है, आपने बता दिया ना, हम जांच कर लेंगे। हेलो सर, हम उधर ही आ रहे हैं सर। सर प्लीज सर। तो ये लड़का आपका दोस्त है? जी चाचू, उसे बचाइए प्लीज। वो पुलिस वाले फालतू में उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसकी कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा उस शंकर उपाध्याय के भतीजे का है, एक नंबर का गुंडा है वो। दोस्त तो इनका है, आप क्यों इतनी उत्तेजित हो रही हैं? चाचू प्लीज प्लीज। कौन से थाने में? स्कूल में तुम्हारे जैसे भले बच्चे भी हैं जान के अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे को पढ़ने लिखने का शौक हो तो स्कूल जाना समझ में आता है, अब ये खेलने कूदने के लिए स्कूल जाना मेरी समझ में तो नहीं आता, आप ही समझाओ ना इसको। क्या माँ, आप कहीं भी चालू हो जाती हो? मैं चालू हो जाती हूँ? खेलने कूदने से किसी की जिंदगी बनी है आज तक जो तेरी बन जाएगी? ये सपने देखना बंद कर, नहीं तो ये हालत हो जाती है। हाँ भगवान ने आपकी सुनी ली, स्कूल से भी रस्टिकेट हो गया और पहाड़ में गए नेशनल गेम्स। चल छोड़, जाने दे, तू राजेश के साथ दिल्ली चला जा। आप लोगों को हमारे यहाँ कुछ खाने पीने से परहेज ना हो तो शरबत शिकंजी लाऊं कुछ? लाओ लाओ चाची, थोड़ा हम भी पी लेंगे। चल तुझे तो जब देखो खाने पीने की पड़ी रहती है। तुझे रस्टिकेट कर दिया वो भरत वगैरह? सिर्फ मुझे ही किया है। और कोच साहब ने कुछ नहीं कहा? कोच साहब कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट से बात करेंगे, पर मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, वो अभी तक मैं आपका उधार चुका नहीं पाया हूं ना, 150 ग्लास बाकी होंगे अभी तक। तो सच में पागल है। जय भीम। राधे राधे। हाँ जी कहिए। भाभी, इतना बड़ा कांड हो गया और आपने हमको खबर नहीं किया? कोई कांड वांड नहीं हुआ है, मेरा बच्चा घर आ गया, मुझे इस मामले को और तूल नहीं देना है। देखिए भाभी, अगर एक बार बार सह गए ना तो वो लोग बार बार वार करेंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है और हजारों साल से हमको दबाते आए हैं क्योंकि हम सहते आए, लेकिन अब वो समय गया, अब तो जमाना है कि हम उनके मुंह में मुंह देंगे। अपने बेटे को कहिए कि हमको उन लौंडों का नाम बताए और उस एसआई का भी नाम बताए जिसने इसको पीटा। 3 महीने के बच्चे को ना पेट से बांधकर दर दर भटकती रही काम के लिए, तब नहीं आया आपका कोई पार्टी वाला मदद करने के लिए? इतने सालों तक ना अपने बच्चे को अकेले पाला है और अकेले संभाल लूंगी, और आप लोग ना उसी की मदद करते हैं जिसमें आपका फायदा हो, मुझे नहीं बनना आपका खिलौना, चले जाइए यहाँ से। भाभी आप यहाँ से जाइए, मैंने बोला ना। हम तो आपकी मदद करने आए। देखा है बहुत मदद करने वाले। अरे एक ही चाल लगा रहने दो ना रणवीर। ये ले बेटा। जानवी कैसे बैठी हो? पापा बैठे को लिहाज शर्म है कि नहीं है? लड़की के लक्षण तो देखो ना, उठने बैठने का तरीका, ना खाना पकाने का शौक,
अरे कहीं जाएगी ना तो नाक कटा देगी हमारी। बच्चे हैं अम्मा। बच्ची, तू माँ आ गए थे हमारी गोदी में इस उम्र में, हमको क्या है, बिगाड़ो जितना बिगाड़ना है। आप पर चिल्लाने या हाथ उठाने के बजाय हम खुद को गोली मारना पसंद करेंगे, इसलिए आप हमसे झूठ मत बोलिएगा। हम सच बोल रहे हैं पापा, कोई लड़का नहीं था। तो क्या चाची झूठ बोल रही हैं? वो हमें क्या पता पापा। नहीं भाई साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, लंबा सा लड़का था, दोनों साथ में खड़े थे, जैसे ही मुझे। आप एक मिनट चुप रहेंगी? जानवी बेटा, अगर कोई लड़का था, आपका दोस्त था और आप उसे पसंद करती हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब आप बड़ी हो गई हैं, आपको हक है अपनी पसंद के दोस्त चुनने का। राजवीर, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अब लौंडिया खोजेगी लड़का अपने लिए? अम्मा हम बात कर रहे हैं ना। शांति, हमारी बीबी की गोली ले आओ, लड़की हमारी जान लिए बगैर मानेगी नहीं। जानवी बेटा, एक सेकंड इधर आइए। आपको हम पे भरोसा है ना? जी चाचू। तो फिर आप किसी की बात मत सुनिए, जो है हमें बेधड़क बताइए। देखिए, आपके पापा भी आपकी किसी ख्वाहिश को इनकार नहीं करेंगे। जी। था कोई लड़का? नहीं चाचू, कोई नहीं था। कितनी बार बोलूं, कोई नहीं था, कोई नहीं था। छोटी बहू, बहुत बड़ा लांछन लगा दिया ना आपने हमारी बेटी पे। अरे अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुल रही? जिसे नाक काट के हथेली पर रख देगी ना, उस दिन जागोगे। आपके जो मन में आ करें अम्मा। हमें नहीं करना है, आपको करना है। उमेश सिंह जी के यहाँ से रिश्ता आया था, बुलाइए उनको, फोन करिए। अभी 17 की हुई है, ये शादी की उम्र है उसकी। हाँ तो अभी शादी कर लेंगे, बाद में गौना कर देंगे। हाँ ठंड भी खत्म ही होते जा रही है। जान जी, हाँ याद आए, श्रीदेवी की बड़ी बेटी। पहली पिक्चर धड़क नहीं चली, काहे कि मराठी फिल्म सराट की नकल थी। लेकिन तुम देखेगी नहीं? नहीं। तुम लोग देखेगी नहीं? क्या पूछ रहा हूँ? ऐसा है ना अंकल जी, जितनी फुर्सत आपके पास है हमारे पास नहीं है। फुर्सत? आप लोग अपने माँ बाप को फुर्सत में रख के आए? नहीं ना, बकवास करने आए हैं। लस्सी लाऊं आपके लिए? थक गए होंगे ना बक बक करके। जानवी घर आई क्या? जानवी को तो आप लेने गए थे ना? क्यों, क्या हुआ? आधा घंटा हो गया स्कूल छूटे हुए, अभी तक आई नहीं है, फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, चलो। आज वो स्कूल आई नहीं है, देखिए ना एब्सेंट मार्क है। अरे स्कूल कैसे नहीं आई है, हम खुद यहाँ सुबह उसको छोड़ के गए, बल्कि उसके अंदर जाने के बाद ही गेट बंद हुआ है। एक बात बताइए, आपके यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं क्या? जी सब जगह लगे हैं। क्या हम उसकी फुटेज देख सकते हैं? ऑफ कोर्स, आइए ना। ये इस पे जूम कीजिए जरा सा, ये देखिए। हाँ ये आई तो थी, ये इसके साथ मीना जायसवाल है। इस लड़की को तो मैं जानता हूँ, ये जानवी की दोस्त है। इसका भी आज एब्सेंट मार्क लगा हुआ है, पर ये जा कहाँ रहे हैं? ये दीवान जी मेरी बात सुनो, पका दियो। ऊपर से परेशान कर रहे हैं। लड़की का नाम जानवी। जानवी चलो पुलिस।
आज स्कूल में बायोलॉजी का प्रैक्टिकल था, फ्रॉग का डाइसेक्शन करना था, जानवी को पसंद नहीं तो उसने बोला एब्सेंट मारते हैं। यही होता है बच्चों को जबरदस्ती साइंस सेट दिलाने के चक्कर में। आप चुप रहिए ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हैं? आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे पे कपड़ा डाल दिया था। ऑपरेटर बच्चों को कैंपस में खेलता देख के प्रॉक्टर से कंप्लेन कर देता है, मैंने मना किया था जानवी। आप बच्चों पर जितने पैरे डालेंगे वो उतने ही बागी बनेंगे। आपको कुछ पता नहीं है कि जानवी कहाँ गई है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ फर्स्ट पीरियड तक उसके साथ थी, बाद में मैं क्लास वापस आ गई थी। मगर आप तो क्लास से एब्सेंट थी। अटेंडेंस सुबह सुबह लग जाती है, एक बार एब्सेंट मार्क हो गए तो दिन भर वही रहता है। आप उसकी फेसबुक चेक करिए, आजकल बच्चों की सारी इन्फॉर्मेशन फेसबुक पर मिल जाती है। उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। चार्ज नहीं होगा। आपने तो सारे जवाब तैयार कर रखे हैं बेटा, पर आपको बिल्कुल पता नहीं है कि वो कहां गई है, किसके साथ गई है। मैंने कहा ना आप उसकी फेसबुक चेक करिए। एक शब्द और बोला ना। भाई हम बात कर रहे हैं। चुप। चलो जानवी। मैं तेरी को यार, मैं माफ कर दूंगा तुम दोनों को। सटा मैं कह रहा हूं तुझसे बेटा, बहुत महंगा पड़ूंगा मैं तुझे, मैं बहुत करूंगा। चलो जानवी। अरे चलो बेटा, अबे समझ में आ रही? अबे लगू मार दूंगा तेरे में। राधे राधे, मालिन को ढूंढ रहे मालिक? कहाँ है वो? दुकान गई है, कह रही थी दुकान से आगर आ जाएगी, शाम तक आ जाएगी। और उनका बेटा सोनू? सोनू सुबह से नहीं देखो। यही घर है ना उनका? यही घर है मालिक। अबे यार, अबे क्या लाऊं सरी ने करते बेटा? अच्छा मार कुछ अर्जी। मैं फेंकूंगा। राधे राधे पार्षद जी, राधे राधे। हमने कहा राधे राधे। क्या हो गया रेला रेला लेके हमारे इलाके में? वो कुछ पर्सनल मामला है। क्या है कि गरीबों की बस्ती में गरीब आप जैसे बड़े लोगों को देखकर सहम जाते हैं। देख बनिया, मेरा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। मेरी बेटी गायब है और इधर का लौंडा, ये इसी घर में रहता है, उसका हाथ। मालन का लौंडा? मेरे घर मेरी इज्जत का मैटर है, मुझे हैंडल करने दे, बीच में मत पड़, क्योंकि आगे क्या होगा उसका अंदाजा मुझे भी नहीं है। पार्षद, आपकी बेटी हमारी बेटी, ये मालन के लौंडे के लिए जो एक्शन लेना है लीजिए। समझिए बेनिया मथुरा में है ही नहीं, हम दिल्ली जा रहे हैं। बस एक विनती है, चुनाव में मेरा सहयोग कीजिएगा। राधे राधे, राधे राधे। चल रे। चल